हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव से जुड़ चुके हैं। सर, आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा जिस प्रकार तैयार हुई कि वादा खिलाफी में 2.5 साल के सरकार की इस विपक्षी नाकामी पार्टी को लेकर, सर कैसे जनता के बीच उतर रहे हैं? देखिए, 15 वर्षों तक इस प्रदेश में डॉक्टर अमन सिंह की सरकार थी और जब कांग्रेस को ये लगा कि शायद वो चौथी बार भी सरकार में नहीं आ पाएंगे, इसलिए इन्होंने एक टूल किट के माध्यम से, एक स्ट्रेटेजी के माध्यम से इन्होंने तमाम प्रकार के ऐसे वादे जो इनको शायद ये मालूम था कि वो नहीं कर पाएंगे, महिलाओं के साथ में इन्होंने शराबबंदी का वादा किया, युवाओं के साथ में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात किया, बुजुर्गों को उन्होंने कहा कि हम पेंशन देंगे, किसानों को उन्होंने कहा कि हम 2500 रुपये देंगे, यहाँ तक कि गरीबों को ये कहा गया, शहरी गरीबों को, कि वो हम पट्टा देंगे, और ग्रामीण जनों को ये कहा गया हम फ्री में आपको भूमि देंगे, शहर के लोगों को कहा गया कि हम आपकी संपत्ति कर को आधा कर देंगे। इन तमाम वादों के साथ में छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास करके इनको सत्ता तक पहुंचाया। लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि 2.5 वर्ष हो गए और किसी भी सरकार के लिए आधा कार्यकाल बहुत समय होता है, और कहा जाता है हिंदुस्तान में कि जो पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, हमें तो 6 महीने में ही एहसास हो गया था कि सरकार काम नहीं करेगी, लेकिन आज 2.5 वर्ष हो गए। जब हम सवाल करते हैं तो ये कहते हैं कि आप हमें बदनाम करने के लिए हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए आज हमने पार्टी की ओर से इस व्यवस्था को बनाया कि पूरे प्रदेश में हम कागज के माध्यम से आम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता सवाल पूछ रही है कि आपके वादों का क्या हुआ। दुर्भाग्य के साथ में मुझे कहना पड़ रहा है कि सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। अंत में सर, 2 महत्वपूर्ण सवाल, एक कानून व्यवस्था को लेकर, एक किसानों को लेकर। जिस प्रकार किसानों का जो छलावा करके सरकार सत्ता पे आई, और एक कानून व्यवस्था जो दुभर हो चुकी है, आए दिन मामले सामने आते हैं, अखबार में आप भी पढ़ते हैं, हम सभी पढ़ते हैं, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। इस पर क्या वे सीरियसली ले रहे हैं या केवल हवा बना के रखे हैं? सर देखिए, भूपेश बघेल जी की सरकार अपने को किसानों की सरकार कहती है, उनका प्रमुख मुद्दा है कि हम किसानों के लिए काम किए, लेकिन किसानों पर ये सवाल है, ऋण माफी की बात करते हैं, लेकिन आज तक मैं आपके चैनल में कह रहा हूं कि आज तक किसानों का पूरा कर्जा माफ नहीं हुआ है। यहां तक कि 2500 रुपए देने की बात हुई, 2500 रुपए को ये 1.5 साल 2 साल में किश्त में दे रहे हैं। ये इंतजार करते हैं कि कब राजीव गांधी की जयंती आएगी, कब राजीव गांधी की पुण्यतिथि आएगी, तब हम जाकर एक किश्त देंगे। और तो और, पैसा नहीं देने के कारण और इनके वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण अब ये रकबा में कटौती कर रहे हैं, अर्थात जमीन की चोरी कर रहे हैं, जहां पर गिरदावरी के माध्यम से उन्होंने रकबे को कम करके, और जो 10,275 रुपए इनको अंतर की राशि देना था, पहले उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपए एकड़ देंगे, और अभी आपने उन्होंने घोषणा करी सरकार ने कि अब हम 9,000 रुपए एकड़ देंगे। अर्थात सत्ता में आने के लिए आप तमाम प्रकार के वादे कर दो, लेकिन वादे में आने के बाद, सरकार में आने के बाद आप तमाम प्रकार के कामों को कम कर रहे हो। दूसरा विषय कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है, ये तो देश की आजादी के बाद से सरकार जो कांग्रेस पार्टी है फेमस है कि जब जब प्रदेश में, देश के अंदर में कांग्रेस की सरकार आती है, लूटपाट, हत्या, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म, ये घटनाएं लगातार बढ़ती है। इसलिए कोई नई बात इस कांग्रेस की सरकार के लिए नहीं है, ये इनका हमेशा से चरित्र रहा है, इनकी सरकार का चरित्र रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर, हत्या। आज रायपुर शहर जो राजधानी है उसके जयस्तम चौक पर व्यापारी का मर्डर हो जाता है, कोंडा गांव में जो पीसीसी अध्यक्ष का क्षेत्र है वहां पे सामूहिक दुष्कर्म हो गया, बलरामपुर में दुष्कर्म हो गया, सरगुजा के क्षेत्र में इनके कांग्रेस के नेता के द्वारा बलात्कार किया गया, तो इसलिए खुला छूट। कांकेर में एक पत्रकार को थाने के अंदर में पिटाई की गई। तो कानून व्यवस्था कहीं नहीं है, बल्कि कांग्रेस के नेताओं को और जो तमाम जो असामाजिक तत्व हैं, इनको यदि इन गलत कामों को करने का संरक्षण है तो कांग्रेस सरकार संरक्षण दे रही है। 2023 की विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार किसकी बन रही है? सर देखिए, हम जनता ने इनको सरकार पे लाया है, 5 वर्ष का समय हमने दिया, हम एक विपक्ष की भूमिका में हैं। चुनाव होगा, हम पूरी ताकत के साथ में आम जनता के बीच में जाएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि 15 वर्ष जो डॉक्टर अमन सिंह की सरकार थी वो दृश्य भी जनता ने देखा है, और इनके 2.5 वर्ष वो भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि इनकी जो कारगुजारी है, इनकी जो वादा खिलाफी है, उसके कारण स्वयं ये लड़खड़ा जाएंगे, ये गिर जाएंगे, और जनता एक बार फिर से बीजेपी पर विश्वास करके भाजपा की सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, और आप सभी देखते रहे न्यूज़ 72, कैमरा गोविंद के साथ रायपुर।